नमस्कार, स्वागत है आपका भिलवाड़ा हलचल में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। रुक करते हैं आज की कई खास खबरों की ओर। नगर परिषद सभापति के लिए आज हुए उपचुनाव के बाद एक बार फिर यह सीट भाजपा के कब्जे में आ गई है। भाजपा की मंजू चेचाणी ने कांग्रेस की मंजू पोखरणा को परास्त किया है। कांग्रेस की मंजू पोखरणा 9 दिन के लिए सभापति बनी थी और इस दौरान कई लोगों के अटके हुए काम भी हो गए और अब तक परिषद में आम लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही थी, उनकी भी सुनवाई हुई है। आज सुबह सभापति के लिए उपचुनाव में मंजू पोखरणा ने कांग्रेस, मंजू चेचाणी ने भाजपा से पर्चा भरा और मतदान के बाद चेचाणी सभापति चुनी गई। चेचाणी ने आज ही पदभार संभाल लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अधिवक्ता लादूलाल तेली को भिलवाड़ा से जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। तेली 30 साल से राजनीति में सक्रिय है। तेली के जिलाध्यक्ष मनोनीत होने के बाद देर रात तक उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे भिलवाड़ा के सभी प्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं को साथ लेते हुए जिला स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है और कोशिश करेंगे कि इस विश्वास पर पूरी तरह खरे उतर सके। मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी जो मुझे दी है, निश्चित तौर से ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी जिला नेतृत्व, जिले के सारे वरिष्ठ नेतागण, सांसद, विधायक और पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधुओं की शुभकामनाएं और सहयोग से मिली है और विश्वास। नगर परिषद गुरुवार को अवैध रूप से बनाई गई 3 मंजिला एक बिल्डिंग को जिला कलेक्टर के निर्देश पर सीज करेगी। नगर परिषद आयुक्त नारायण लाल मीणा ने बुधवार को हलचल को बताया कि नगर परिषद के निकट सिंधु नगर में एक 3 मंजिला बिल्डिंग अवैध रूप से बन रही है। इसकी शिकायत कुछ लोगों ने जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट से की थी। इस पर कलेक्टर ने मामले की जांच करा, नगर परिषद को बिल्डिंग सीज करने के निर्देश दिए। नगर परिषद गुरुवार को इस 3 मंजिला बिल्डिंग को सीज करेगी। यह बिल्डिंग सीधी समाज के एक व्यक्ति की बताई गई है, सिंधी समाज बताई गई है। ये अभी कोई हमारे पास माननीय जिला ग्रहण के बाद जब 17वीं समिति में कोई मैटर लगा हुआ था और कोई उनकी शिकायत के आधार पर उसकी जांच करवाई गई थी। जांच करने के बाद यह पाया गया कि 3 मंजिल की वहाँ कुछ बिल्डिंग बना ली, कॉमर्शियल बिल्डिंग जिसमें दुकानें चला रहे हैं, तो कल उसको सीज करने का निर्णय लिया गया। सिंधु नगर भिलवाड़ा में 2 अलग अलग हादसों में एक वृद्धा और युवक की मौत हो गई जबकि 2 महिलाएं घायल हो गई। इनमें से एक को जयपुर रेफर किया गया, वहीं दूसरी महिला का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। सब सुभाष नगर पुलिस का कहना है कि कुवाड़ा खान कच्ची बस्ती निवासी कस्तूरी को शहर से घर जाते समय यश विहार के सामने ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद जमा भीड़ ने हंगामा किया। इसी तरह एक अन्य हादसा पुर थाना इलाके में उदयपुर हाईवे स्थित देवली ब्रिज के पास हुआ, जहां अज्ञात वाहन ने एक बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार बैरा निवासी राजूलाल रेगर की मौत हो गई, वहीं 2 महिलाएं घायल हो गई जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से एक महिला को हालत गंभीर होने से जयपुर रेफर कर दिया गया। पुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। 415 विजन कम्युनिकेशंस की ओर से 3 दिवसीय यान फैब्रिक व एसेसरीज ट्रेड शो 2019 का बुधवार को विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ। उद्घाटन भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष
दामोदर अग्रवाल और संगम ग्रुप के एसएन मोदानी ने किया। इस मौके पर शहर के टेक्सटाइल से जुड़े व्यवसायी मौजूद रहे। विजन कम्युनिकेशंस के अभिषेक शर्मा व अंकुर गोयल ने बताया कि ट्रेड शो में टेक्सटाइल से जुड़ी 22 प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। आयोजक अभिषेक शर्मा ने कहा कि यह उनकी 16वीं प्रदर्शनी है। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में 22 स्टॉलें लगाई गई है, जिनमें साउथ सूरत, मुंबई, दिल्ली और भीलवाड़ा के टेक्सटाइल से जुड़े लोगों ने इसमें सहभागिता निभाई है। एक स्टॉल के संचालक हनुमान ने कहा कि यह अच्छा प्रयास है, भीलवाड़ा के व्यवसायियों को इससे लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक ऐसी जगह ऐसी स्टॉलें बहुत कम देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि यह छोटा लेकिन अच्छा प्रयास है और उम्मीद है कि यह आगे बड़ा होगा। अच्छा प्रयास है और भीलवाड़ा के ज्ञान इंडस्ट्री को और यहाँ के लोकल यूनिवर्स को इससे बहुत फायदा मिलेगा। उसी जगह पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाए या अपॉर्चुनिटी कम मिल जाए। प्रथम प्रयास है, छोटा प्रयास है पर आगे उम्मीद है कि बड़ा होगा। अच्छा प्रयास है और काफी लोग बाहर से आए हैं और काफी मैंने यहाँ से भीलवाड़ा जो शूटिंग का जो मार्केट है उसको नया डायमेंशन मिलेगा और कुछ नया बनने के लिए प्रेरित भी होंगे और कई लोग स्पेशल ध्यान के साथ आए हैं। जो भीलवाड़ा का एक मनोरंजन है वो ग्रेट होगा और कुछ नई चीज बनेगी तो कुछ मार्केट ग्रोथ भी होगा और सभी लोगों ने अच्छा प्रयास किया, अच्छा डिस्प्ले किया। ज्ञान के लिहाज से भीलवाड़ा की पहली एग्जीबिशन है। देश भर में यार्ड में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या नए फैब्रिक बन सकते हैं, क्या बेटरमेंट हो सकता है, क्या नयापन हो सकता है, क्या वैल्यू एडिशन के साथ हम कुछ चीज बना सकते हैं। कई चीजें हैं एग्जीबिशन को देखने से समझ में आती है। मैं समझता हूँ पहला प्रयास बहुत सफल है। जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया, जो भी इसके स्पॉन्सर्ड हैं, मैं उन सबका भीलवाड़ा में स्वागत करता हूँ और इस तरह के प्रयास आगे भी हो इस प्रकार की उम्मीद करता हूँ। ये हमारे ज्ञान फैब्रिक एंड एक्सेसरीज ट्रेड शो का 16th एडिशन है। वो हम ऑल ओवर इंडिया लगाते रहते हैं, जैसे दिल्ली में लगा रहे हैं, लुधियाना लगा रहे हैं, गोविंदा लगती है, हमारे पानीपत है, भिवंडी अभी हम लगाते आए हैं, शुगर की लगाते हैं। भीलवाड़ा में हमारा पहला एडिशन है। यहाँ पे तकरीबन 22 स्टॉल हैं और अलग अलग जगहों से, कुछ साउथ से आए लोग, कुछ सूरत से हैं, कुछ बॉम्बे से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, भीलवाड़ा से हैं, अलग अलग जगहों से लोगों ने फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए भीलवाड़ा हलचल। नमस्कार।